स्टूडेंट क्लास एट्थ का व्याकरण व्योम का फर्स्ट चैप्टर वर्ण और उच्चारण के बारे में हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा है। अब लेक्चर नंबर थर्ड हम पढ़ेंगे आयुर्वा, इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। बेटा ध्यान दीजिएगा, जो ध्वनि ना तो स्वर है और ना व्यंजन है वह आयुर्वा कहलाती है। ना तो ध्वनि स्वर है और ना ही व्यंजन है, उस ध्वनि को आयुर्वा ध्वनि कहला आयुर्वा कहलाती है। आयुर्वा तीन हैं, अंग आ, अंग ये चंद्रबिंदी लगी है और आहा, अंग आहा और आहा, इन्हें क्रमशः अनुस्वार अनुनासिक और विसर्ग कहते हैं। अंग की बिंदी को अनुस्वार कहते हैं बेटा, और चंद्र बिंदी को हम कहते हैं अनुनासिक, और जो ये बिंदी दिख रही है इसको विसर्ग कहते हैं। विशेष ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहते हैं। अंग को क्या, अंग की बिंदी को क्या कहते हैं? अंग की बिंदी को एक बार फिर से पढ़ते हैं, अनुस्वार कहते हैं, चंद्र बिंदी को अनुनासिक कहते हैं, और इसको विसर्ग कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं। इसमें हा हा का स्वर सुनाई देता है। सबसे पहले आते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार का चिन्ह अंगी बिंदी, ये बिंदी जो है अंगी बिंदी है, ये चिन्ह होता है। जब किसी वर्ण के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है, उसे अनुस्वार से दर्शाते हैं। स्पर्श व्यंजनों में अणा वा अणा ना मा, नासिक के व्यंजन के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण पूर्ववर्ती स्वर के बाद करते हैं, जैसे कंठ, गंगा, ठंडा, चंदन आदि। ये अंकी बिंदी अनुस्वार कहलाती है। अब पढ़ते हैं अनुनासिक। अनुनासिक अनुनासिक चंद्र की बिंदी को अनुनासिक कहते हैं। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, चंद्रबिंदु भी कहते हैं और अनुनासिक भी कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। जब हम बोलते हैं चंद्रबिंदु वाले शब्द बोलेंगे तो इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक का प्रयोग जब करते हैं तब अनुनासिकता केवल स्वर में होती है, जैसे माँ, गाँव, आँख, दांत आदि। ये शब्द दिए हुए हैं अनुनासिक के। तीसरा है हमारा विसर्ग। इसका चिन्ह ये बिंदी आपको दी देखी है आपने, एक ऊपर है, इसके नीचे है, आहा में लगती है। इसको कहते हैं, इसका उच्चारण हा की तरह होता है। जब भी बोलते हैं आ आ आ में जो विसर्ग लगा होता तो आहा, तो इसका उच्चारण हा की तरह होता है। इसका प्रयोग संस्कृत में, संस्कृत से हिंदी में आए हुए कुछ शब्दों में ही होता है। संस्कृत से कुछ शब्द हिंदी में आते हैं उसमें होता है, जैसे अतः, प्रातः, नमः आदि। एक बार फिर समझिएगा, विसर्ग वाले कौन कौन से शब्द हैं? अतः, प्रातः, नमः आदि, ये विसर्ग वाले शब्द हैं। अब अक्षर क्या है? अक्षर जो है वह छोटी से छोटी ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक ही श्वास घात में होता है, अक्षर कहलाती है। जैसे अ, आ, जी, टी आदि। नीचे दिए गए उदाहरणों को देखकर और आप समझिएगा, ये एक अक्षर वाले, ये दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर वाले शब्द दिए हुए हैं। व्यंजन गुच्छ दिया है। व्यंजन गुच्छ क्या है? कुछ शब्दों में व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं, स्वर ध्वनि जो है नहीं होती है। इस स्थिति में वे जुड़कर उच्च होते हैं। इस प्रकार के व्यंजन व्यंजन गुच्छ या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण देखिए और समझिए, क्या, क्यारी, क्यों, ग्वाला, ये शब्द दिए हुए हैं, व्यंजन गुच्छ दिया हुआ है। प्यारा, प्यास, त्यौहार, स्वास्थ्य, ग्रंथ द्वार, कार्य, दर्शन, अल्प ग्लानि, श्लोक, व्यापार। बला घात क्या है?
अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बलाघात क्या है बेटा? उच्चारण के समय किसी पद पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। वक्ता अपना मत स्पष्ट करने के लिए वाक में किसी विशेष पद पर बल दे सकता है। वक्ता यानी कि जो पढ़ा रहा है, समझा रहा है, वो किसी भी वाक पर अपना मत स्पष्ट करने के लिए उस विशेष पद पर बल दे सकता है। इन वाक्यों में रंगीन पद पर बलाघात है, जैसे आप, सेब, आज, आज, दिए आप आइए, मैं सेब खाऊंगा, वह आज आएगा, यानी कि इन पर बलाघात है, जोर दिया जा रहा है। अगला देखते हैं, यदि वाक में ही और भी का भी प्रयोग किया जाता है तो बलाघात इन पर रहता है और इनसे पहले आए पद में विशिष्टता आ जाती है। जैसे मुझे आम ही खाना है, तुम कल भी जा सकते हो, इसमें ही और भी पर बहुत जोर दिया जा रहा है, इसे बलाघात कहते हैं। अनुतान, अनुतान क्या है? वाक्यों को बोलते समय सुरों में होने वाला उतार चढ़ाव अनुतान कहलाता है। भिन्न भिन्न अनुतानों के साथ बोलने पर वाक्य भिन्न भिन्न अर्थ देता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। जैसे उधर राम है, सामान्य कथन दिया है। उधर राम है मतलब ये प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक कथन है, इसमें प्रश्न पूछा गया है। उधर राम है, उधर राम है, ये विस्मय सूचक कथन है। उधर राम है ये अपने चैप्टर फर्स्ट में स्वर, व्यंजन और उनकी भेदों के बारे में, विसर्ग के बारे में ये सब पढ़ा है। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर पढ़ के देखना आप। थैंक्स स्टूडेंट। एक्सरसाइज आपकी बुक में है, जो इमेज आपको सेंड कर दी जाएगी। प्रश्नोत्तर आपको अपने हिंदी सेकंड की एक न्यू कॉपी बनानी होगी, उसमें आप करेंगे। हिंदी सेकंड की नई कॉपी बनाकर सारी एक्सरसाइज करेंगे, वो सॉरी प्रश्नोत्तर करेंगे, और एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है। थैंक्स स्टूडेंट।